हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। आज की हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक ऐसे आंदोलन के बारे में जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ में था, जो पुरोहितवाद के खिलाफ में था। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जाति उद्भव एवं जाति के आधार पर जो भारत का विभाजन है वह काफ़ी लंबे समय से है। इसका इतिहास लगभग इतिहासविद जो है 5000 साल का बताते हैं। तब से लेकर अब तक जो लगातार जाति और उसके आधार पर जो बंटवारा है वह देखने को मिलता है। शुरुआत में तो ऐसी दिक्कत नहीं थी जातियों में, लेकिन बाद में दिक्कतें ऐसी होने लगी थी। उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उच्च जाति और निम्न जाति, तो जो जाति के बीच बंटवारा था उसे छुआछूत, मंदिरों में ना जाना, ये सारी चीज़ें सामने हमारे देखने को मिलती हैं। तो उसी के संबंध में बाद में एक आंदोलन खड़ा होता है जो इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ में था। इनकी मतलब ये हुआ कि किस तरीके से इस आंदोलन के द्वारा जो अछूत या छोटी मानी जाने वाली जातियां थीं उन्होंने अपने आप को मुख्य धारा में लेकर आने की कोशिश की। साथ साथ में ये जो आंदोलन था वह मंदिर में प्रवेश के लिए किया जा रहा था। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान में हर एक शख्स सब कुछ छोड़ सकता है सिवाय अपने ईश्वर के। ये ऐसी एक मैं कह सकता हूँ मतलब हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि इसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। एक बात और सोचने को मिलती है कि हम इंसानों का जो ईश्वर है वो इंसान के ही रूप में क्यों, किसी और रूप में क्यों नहीं, तो जानवरों का ईश्वर किस रूप में होगा। खैर, ये बात छोड़ते हैं और हम आते हैं आज उसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक दक्षिण भारत का महान आंदोलन जिसने उन लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाया, और वह है अरविपुरम आंदोलन। ठीक है, अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो स्थापना वर्ष में अगर हम देखें तो ये जो है 1888 में हुआ था। अगर हम संस्थापक की बात करें यहां पर, जैसे कि हमारा हर वीडियो में हम देखते हैं, संस्थापक जो है श्री नारायण गुरु थे, श्री नारायण गुरु। ये भी एक इत्तेफाक या संयोग ही मानो कि नारायण ईश्वर का नाम भी है और यहाँ भी जीसस का नाम है वो नारायण ही है, और वो इन लोगों को मुख्यधारा में मंदिर में प्रवेश दिलाने की जद्दोजहद लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो श्री नारायण गुरु जो है वो करते क्या है, उनका ये मानना था कि भाई ईश्वर तो सबका है, मंदिर सभी के हैं, आखिरकार ऐसी रोक टोक क्यों कि केवल सवर्ण या उच्च जाति के लोग ही मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें ये हक है, और बाद बाकी किसी को ये हक नहीं है कि वो मंदिर में जाए। उनके जाने से अगर निम्न जाति के लोग मंदिर में जाएंगे तो जो है मंदिर अपवित्र जाएगा। एक बात यहाँ समझ में नहीं आती, परमपिता परमेश्वर जो स्वयं में इतना अधिक पवित्र है, उसको छू लेने से या उसके मंदिर में किसी निम्न जाति के व्यक्ति के द्वारा अपने कदम रख देने से वह मंदिर अपवित्र कैसे हो गया। बल्कि मेरा तो मानना यह है कि जैसे ही वह निम्न जाति का या गंदा व्यक्ति या अपवित्र व्यक्ति उस मंदिर में गया, उस मंदिर की पवित्रता की वजह से वह स्वयं भी पवित्र हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अपवित्रता ज़्यादा हावी है पवित्रता पर, तभी तो मंदिर अपवित्र हो रहा था। तो इस टाइप की जो सोच थी, कुछ ऐसी सोच नारायण गुरु की थी, और वो चाहते थे कि लोग बाग मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना करें, क्योंकि ईश्वर सभी का है, ईश्वर को बांटे मत उच्च जाति में या निम्न जाति में। तो उसी के लिए ये स्टार्ट करते हैं। तो वो करते क्या हैं, 1888 में अरविपुरम में जाकर के वहाँ भगवान शंकर के मंदिर में वो प्रवेश करते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और लोगों के लिए दरवाजे खोलते हैं उस मंदिर के कि आप आराम से आइए और मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि ईश्वर हम सबका है। तो ये यहाँ पर मेन चीज़ है। एग्जाम में अगर कुछ पूछेंगे तो वो पूछेंगे दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में निम्न जातियों के लिए मंदिर प्रवेश के लिए चलाया जाने वाला प्रथम या महान आंदोलन, तो वो आ जाएगा आपका अरविपुरम आंदोलन। अगर हम बात करें किसके संस्थापक कौन से हैं, तो वो आ जाएंगे आपके श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु मंदिर में जाते हैं भगवान शंकर के और लोगों को एंटी दिलाते हैं। अगर हम इसमें बात करें, कुछ प्रमुख कोटेशंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है उसमें देखने को मिलती है कि एग्जाम में इस टाइप का आता है कि इन्होंने क्या कहा था, ये किसने कहा था, वो आएगा। तो इन्होंने कहा था मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। इनकी जो नारायण गुरु हैं उस समय में इनकी सोच इतनी एडवांस थी, ये जानते ही चाहते थे कि क्योंकि पूरी संपूर्ण मानवता एक है, तो जो मानव जाति एक है तो उसका धर्म भी एक होना चाहिए, उसकी जाति भी एक हो, और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही ईश्वर। ये क्या तरीका है कि हमने अब अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग ईश्वर बना रखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी वाली बात है, अपने अपने तरीके से ईश्वर को गढ़ लिया, वो गलत चीज थी। तो इन्होंने कहा था क्या, मानव मात्र के लिए, ये प्रमुख कोटेशन है, इसे याद रखिए आप लोग, मानव मात्र के लिए एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति। तो यहां देखेंगे मानव मात्र के लिए एक धर्म पहले लेंगे हम लोग यहां पर, फिर लेंगे एक जाति और फिर लेंगे हम लोग एक ईश्वर।
तो जो ईश्वर वाली बात है ये ज्यादा ध्यान दे रहे हो गए कि पूरे मानवता के लिए वो कहते हैं कि एक ही धर्म हो, एक ही जाति हो और एक ही ईश्वर हो। ये कोटेशन दिया था किन्होंने? श्री नारायण गुरु ने। बाद में इनके जो शिष्य हुए थे साधारण अयप्पन, वो इनकी सोच से भी बहुत आगे चले गए। वो बात ये थी कि जब उन्होंने देखा कि सवर्ण जाति के लोग नहीं मानते हैं इस बात को कि वो मंदिर प्रवेश करें, वो लोग आए मुख्य धारा में जुड़े, तब वो इस रूप को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि हम मानव हैं। वो जब और लोगों से तुलना करते हैं तो वो कहते हैं कि मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं। वो कहते हैं जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत धर्म को लेकर। धर्म ने हमें बांट रखा है, धर्म ने हमें जब बांटा है तो हमें संस्कृति के आधार पर, हमें ईश्वर के आधार पर, न जाने कितने कितने तरीकों से हमें बांट रखा है। तो वो कहते हैं कि वो जड़ ही खत्म कर दो जो हमें बांटने वाली है। तो इनके जो शिष्य हैं, नाम क्या है इनके जो बहुत खास शिष्य थे, नाम है साधारण अयप्पन। दक्षिण भारत के हैं तो नाम तो कुछ ऐसे ही आपको मिलेंगे, अयप्पन। इनका जो कोटेशन है वो क्या है, याद रखना, ये नारायण गुरु के शिष्य हैं। वो क्या कहते हैं? मानव के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ईश्वर नहीं। वो कहते हैं मानव के लिए कोई धर्म नहीं। ये भौतिक बात में ज्यादा विश्वास करने वाले थे। मानव के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, वह कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं। अगर देखा जाए इस कोटेशन को, यह काफी हद तक चार्वाक दर्शन से मिलता जुलता है, जहां ईश्वर की परिकल्पना को ना मान करके सिर्फ भौतिकवादी सत्ता को माना गया है। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास में जाएंगे तब हम चार्वाक दर्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इस आंदोलन में जो संस्थापना वर्ष है वो 1888 है और संस्थापक है वो श्री नारायण गुरु है। उनका मानना था कि एक धर्म हो, एक जाति हो, एक ही ईश्वर हो, ये बंटवारा बंद करो, ये उच्च जाति, ये निम्न जाति, ये सब कुछ खत्म करो, पूरा मानव एक, मानवता एक, उसका धर्म एक, उसकी जाति एक और उसको मानने वाला भी एक, यानी कि एक ही उसका ईश्वर हो। बाद में उनके जो शिष्य हैं वो इस बात को बदल लेते हैं और वो कहते हैं नहीं, मानव के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं। खैर ये अपनी अपनी सोच है, इत्तेफाक इस बात का है कि कुछ लोग इसको मानेंगे, कुछ लोग इसको मानेंगे। खैर मेरा तो मानना ये है कि संपूर्ण मानवता एक है और हम सबको एक होकर के रहना चाहिए, बस झगड़ा बंद करो। खैर इस तरह तो याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी जो है संस्थापक है, और इंपॉर्टेंट जो है तो वो ये वाला है कोटेशन, ये किसने कहा था। तो चार ऑप्शन में से एक ना होगा, श्री नारायण गुरु, उस पर आप टिक करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बस बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।